कांछी टीवी दे सारे ही दर्शकों नूं मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शको, मैं तुहाडा बिशन दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके तुहाडे सामने पेश होया हाँ। और हमेशा की तरह मेरा साथ देने लई मेरे साथी, मेरे मित्र समाज वीकली दे चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी। दविंदर जी, तुहाडा स्वागत है कांछी टीवी ते। थैंक यू वेरी मच जी। प्यारे दर्शको, मंडे 8 तरीक नूं इंटरनेशनल वूमेन्स डे सेगा और असी इस दे बारे गलबात करांगे कि भारत दे विच इंटरनेशनल वूमेन डे और वूमेन दी की ताकत है या वूमेन दे की उदार हन और खास तौर ते जिहड़े दबे कुचले समाज, लताड़े हुए समाज दीआं औरतां, उन्हां बारे गलबात करांगे। और यह थोड़ा जिहा इतिहास आ प्यारे दर्शको, 1911 नूं इंटरनेशनल वूमेन्स डे जिहड़ा हैगा वह आस्ट्रेलिया, डेनमार्क और जर्मनी, स्विट्जरलैंड वर्गे मुल्कां दे विच इन्हां ने मनाया सीगा। और 1913 दे विच फिर इहदा जिहड़ा हैगा डेट जिहड़ी हैगी आ वह चेंज कर दित्ती गई, 8 मार्च उन्होंने कर दित्ती। और 1977 दे विच अडॉप्टड बाय द UN अंडर द ह्यूमन राइट चार्टर। सो इहदा मतलब है कि यह सारी दुनिया के उत्ते जिहड़ा इंटरनेशनल वूमेन्स डे हैगा और जां इहनूं वूमेन एम्पावरमेंट भी कह दिंदे आ, यह मनाया जाता है। और क्योंकि सोमवार तो बाद अज साडी बारी है और असीं इहदे बारे विचार वटांदरा करांगे। और इहदा मतलब यह आ कि औरतों लई खास तौर पर उन्हां दे जिहड़े हक हैगे आ, कल्चरल, पोलीटिकल, सोशल, इकनोमिक जिहड़ियां उन्हां दीआं अचीवमेंट्स हैगियां उन्हां नूं मद्दे नज़र रख के इक्वालिटी, लिबर्टी जां उन्हां दे हक वर्ल्ड वाइड जिहड़े हैगा ये वूमेन्स जिहड़ा हैगा इंटरनेशनल डे इहनूं सैलीब्रेट किया जाता है। खास तौर पर असीं भारत के संदर्भ के विच असीं गलबात करांगे प्यारे दर्शको, इहदे इतिहास वाल थोड़ा जिहा जाणा चाहुंदे आ कि इतिहास की कहिंदा। इतिहास के विच कोई इहो जिहा साडा इतिहास कोई उज्जल नहीं सीगा और तुहानूं सारिआं नूं पता कि साडा पुराना इतिहास की है, खास तौर पर 1920 तों पहलां और उस तो बाद 1920 दे विच की हाल होया है नी, की बदली आई हैगी आ। और आज़ाद भारत दे विच कंस्टीट्यूशन जिले बनया जां बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लियांदा उहदे विच मान लो औरतां दी जिहड़ी हालत उहदे विच की सुधार आए। और तुहानूं पता कि पुराना जमाना इहो जिहा सीगा कि रब दा नां लैण ते जीभ कट्टी जांदी, कट दित्ती जांदी सी और सुण ते कन्नां विच सिक्का पा दित्ता जांदा सी और एजुकेशन पढ़न दी तां इजाजत बहुत दूर दी गल हैगी आ। और बच्चे जिहड़े हैगे खास तौर ते बच्चियां जिहड़ियां उहनां नूं जमदिआं नूं मार दित्ता जांदा सी जां उहनां दी जिहड़ी शादी आ उह बचपन विच कर दित्ती जांदी सी। उहदा इक खास वजह आ, इको लफ्ज़ दे विच मैं दसणी चाहुंदा कि जिहले बच्ची जवान हो जांदी सी जां तां उह जिहड़े उच्ची जात वाले हैगे आ, गुंडागर्दी वाले हैगे, वो औरतों नूं बच्चियों नूं चक लैंदे सीगे जां इह सीगा कि उन्हां दे कोल उन्हां तों इन्नी नफरत करदे सन कि तुसीं मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकदे वी जिंदगी किहो जिही हुंदी सी उस टाइम दे उत्ते। और चाहे जिहड़ी मैरिज सीगी वह जिहड़े मापे आ वह इस करके करदे सीगे क्योंकि जेले बच्ची जवान हो जाती सी उन्हूं हर दम इस गल का खतरा रहिंदा सीगा कि कोई ना कोई इहदे ते अनहोनी हो जाऊगी, अत्याचार हो जाऊगे। और अजकल भी हुंदे आ, वो दविंदर जी उन्हां नूं मैं कहांगा बाद विच थोड़ा जिहा उहदे ते चानना पाउण। और यह आ गल कि पुरानी गल जिहड़ी हैगी आ वो ये आ कि बच्चियां नूं एक किस्म का सिन जां करस मन्निया जांदा सीगा क्योंकि वह फैमिली दे उत्ते इहो जिहियां घटनावां वापरदियां सन और इस करके वह समझते सन वी साडे घर कित्थे पैदा हो गई, ये साडे घर जुर्म लैके आऊगी, साडे घर अत्याचार होणगे और सानू ये आ कि समाज दे विच रहना जिहड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और प्यारे दर्शकों इस हालात दे विच एक औरत भारत दे विच असी बहुत जिहड़ियां औरतां उन्हां बारे भी गलबात करांगे। आज़ादी तो बाद भी बहुत सारिया अचीवमेंट कीतियां औरतों ने, बाबा साहब ने पूरे हक दिते और आज़ादी के दौरान भी बहुत सारिया औरतों ने यह आके बहुत काम किया, पछड़े समाज के विचों भी बहुत काम किया, पर जिहड़े इतिहासकार सन वो बिल्कुल उन्होंने इंसाफ नहीं वरत्या, उन्होंने कभी घाटी हाईलाइट किया जां उन्हां दे बारे कभी घट ही चानना पाया है। असी उन्हां बारे भी थोड़ा बहुत चानना पावांगे क्योंकि एक घंटे का प्रोग्राम है प्यारे दर्शकों, असी बहुत सारा एरिया जिहड़ा वह कवर कर रहे हैं और जिहड़ी खास तौर पर एक औरत बारे असी गल कर रहे हैं कि वह 3 जनवरी 1831 होया और उन्हों का नाँ सी फूला देवी। सत्कार दे तौर पर उन्हूं अज माता सॉरी फूला देवी नहीं सवित्री बाई फूले, बैग योर पार्डन, सवित्री बाई फूले जिहड़ी उन्हों का जन्म 3 जनवरी 1831 होया और सत्कार दे तौर पर उन्हूं माता फूलां सवित्री फूलां बाई कहिंदे हन। तुहाडे सामने टैलीविजन ते पिक्चर आ रही हैं और उन्होंने सारी जिंदगी दे विच सुधार समाज सुधार किया, बड़िया औकड़ां झलियां और उच्ची जात वालियां दे तसीहे कट्टे और उन्हां दे कोलों बहुत सारिया लानतां परिवार दे उत्ते आईयां, फिर भी वह सारी उम्र लड़ती रही समाज सुधार का जड़ा कम करती गई और अखीरी उन्होंने जी उन्होंने अखीरी दम से वो भी समाज सुधार लिए उन्होंने लाए। दविंदर जी थोड़ा जहा हाँ थैंक यू वेरी मच जी, तुम बहुत सोहनी इंट्रोडक्शन दिती हैगी। आप गल कर लगे हाँ सवित्री बाई फूले जी, सवित्री बाई फूले आपको पता कि सवित्री बाई फूले जी ज्योति बा फूले जी की धर्म पत्नी है। बिल्कुल जी, और महात्मा जी, और ये है कि कल जो 10 मार्च कल गया जी और कल दे दिन माता सवित्री बाई फूले जी की परिनिर्वाण डेथ एनिवर्सरी भी कल से जी। और जिस तरीके दस्या कि उन्होंने बड़े संघर्ष किया है हाँ जी, और ये प्राउड करने वाली ये गल हैगी हाँ कि वह भारत की पहली महिला टीचर सी, टीचर मतलब अध्यापक सी जिन्होंने कि 1848 दे विच पहला स्कूल लड़कियों वास्ते खोलिया और तो पहला जिहड़ा लड़कियों वास्ते स्कूल नहीं सी थी, अलग नहीं। हालांकि जो इन्हों का ब्याह हो गया से मतलब जो तुम दसा 3 जनवरी 1831 इन्हों जन्म होया और सिर्फ 9 साल की उम्र के शादी हो गई ज्योति फूले जी ना। और उस वेले उन्होंने उम्र जी 13 साल की सी, बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी यंग एज के जिदा शादी हो गई। उस वेले लड़कियों तो पढ़न दिता नहीं जाता हाँ जी, पर ज अपने जो सवित्री बाई जी से इन्हों की मतलब ख्वाहिश थी कि स्टडी मतलब एजुकेशन लवे पढ़े ये भी शिक्षा हासिल करे, तो इन्होंने जो अपनी ख्वाहिश जी ज्योति बा फूले जी ने दसी तो उन्होंने फिर इन्हों किताबा लिख दी बिल्कुल और फिर घर उन्होंने पढ़ा शुरू किया प्राइमरी घर पढ़ाई घर पढ़ाई फिर उस तो बाद इन्होंने फिर जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से उत्थे जाके भी एजुकेशन ली तो उस तो बाद फिर इन्होंने जोड़ा है लड़कियों पढ़ाने स्कूल 1848 के पहला स्कूल जो खोलिया है, टीचर ट्रेनिंग भी टीचर ट्रेनिंग पहला की हैगी हाँ जी वो भी की सो करके मतलब किया और 1851 तक इन्होंने 3 स्कूल हो गए से हाँ जी हाँ जी और उस तो बाद होर भी होंगे रहे हाँ जी। सो इस तरीके जोड़ा है करके उस वेले जोड़ा पेशवा समाज से हाँ जी हाँ जी वह बहुत विरोध करता से बिल्कुल, उन्होंने बड़िया धमकियां भी दतिया जो तुम ये काम करते स्कूल चलाते हैं हाँ जी हाँ। मतलब ये जो जो ये परिणाम है भुगतने वास्ते तैयार रहो तुम योजना तो जो जो ईवन औरतं भी जड़िया सी विरोध कर दया कोई बच्चों लड़कियों स्कूले भेजन वास्ते तैयार नहीं सी। तुहाडी गल इसे सॉरी मैं टोक ना, पेशवा खानदान उ जिहदा खात्मा महार रजमैन ने कोरेगांव च कीता, भीमा कोरेगांव च बिल्कुल उही पेशवा समाज सीगा उही पेशवा। और जे मतलब पेशवावां दा राज हुंदा ते जिहड़े ज्योति बा फूले जी हुणी आ इन्हां नूं भी एजुकेशन दा हक नहीं सी मिलना, मतलब चांस नहीं सी मिलना बिल्कुल, और कदी लड़कियां तां पता नहीं कदों चांस मिलदा जी। सो इस तरीके नाल हैगा सो आपां होर भी इतिहास दे विच बहुत घटनावां हैगियां जी,
जिन्हां बारे आपां गलबात कर सकते हैं। आजादी 1857 तो गदर तो बाद दा उहदे विच हैगियां कुछ दसो तां। देखो जिहड़ी अपने 1857 दी गदर दी आपां जदों गल करदे हैगे आ जी, तो उहदे विच इक करैक्टर आउंदा हैगा लक्ष्मी बाई जी। लक्ष्मी बाई ने अपना जिहड़ा ना मतलब उह एज़ ए राणी राणी लक्ष्मी बाई करके उहनूं जाणिया जांदा, और आपां कहिंदे कि उह बहुत बहादुर सीगी भी, नो डाउट अबाउट दैट। और उन्होंने मतलब अंग्रेज़ां दे नाल लोहा भी लिया, पर जिहनूं आपां भुल जांदे उहनां दे नाल इक होर जिहड़ी महान हस्ती सी चलकारी बाई जी। जी चलकारी बाई हाँ, वह जेडे चलकारी बाई सीगी वह सीगी दलित समाज विचों बिल्कुल हाँ जी है ना। और उन्हें जो एक्चुअली लड़ाई की एंड जाके हाँ जी, तो उन्हें झांसी राणी का जोड़ा है अपने लक्ष्मी बाई का हाँ, मुक्ट पा के पहरावा पा के हाँ, सारा दिन अंग्रेजों लड़ती रही लड़ती रही। और लोग मतलब अंग्रेज यही सोचते थे कि जे फोटो है सरकार ने जी एक स्टैप भी बनाई सी याद बच्च ओनर बच्च इस तरीके ना। हाँ जी हाँ देखो तो देखते हैं फोटो प्यारे दर्शको। देखो ये है देखने वाला कि चलकारी बाई का जो जन्म 22 नवंबर 1830 जो आप ज्योतिबा फूले हुणे सवित्री बाई फूले की गल करते हैं वह 1831 होया 3 जनवरी 1831 बिल्कुल। और हमओवर मतलब हमओवर है समकाली हमओवर। और यह जिदा बचपन तो ही ना बहुत बहादुर सी दसिया जाता कि जो ये बचपन के बच्चे सी तो इन्हें ना जंगल च गई लकड़ा वगैरह कट्ट किदा भी उत्थे शेर का सामना हो गया और जिहड़ा इहदे कोल अपना हथियार गड़ासा सी कुहाड़ा उहदे नाल कुहाड़े दे नाल शेर का कतल कर दिता यानो उदों तो लोग इहदी काफ़ी चर्चा हुई। और लक्ष्मी बाई राणी जिहड़ी सीगी उह अंग्रेज़ उहनूं कहिंदे सीगे भई तूं साडी अधीनता स्वीकार कर ला। आले दुआले राजे जिहड़े सी उहनां ने मन लिया सी, उह कहिंदी नहीं। और जिसले लड़ाई हुई लक्ष्मी बाई किले तो निकल के दौड़ी, पर इहने उहनूं दड़ाउण च कामयाबी उहदे पिछे पता किदां होई सी जदों यह जदों थोड़ी मतलब अपने शादी की एज बच आई है जी, तो इहदी ब्याह इहदा कर दिता गया एक पूरन कोहली पूरन कोहली दे नाल इहदा ब्याह होया। और वह सीगा झांसी की राणी लक्ष्मी बाई का आर्मी दे विच सिपाही सी। हाँ जी हैलो जी जैगर दे जय पी कौन ते कित्थों साहब जी। हाँ जी जैगर दे जय भीम जय भारत। हाँ जी कौन साहब। हाँ जी हाँ जी मेरा नाम है रमन चमन। हाँ जी हाँ मैं ही गल करना चाहता। देखो साडा जी जी इना गैर बहुत कहने की हद नहीं। हाँ जी नंबर वन देखो जी मैं एक इंदिरा गांधी जी लै लो हाँ जी ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ मैं जाया नहीं करा मैं सॉरी ये मेरे दिल का है कि मैं क्या ये तो गा रहा हूँ कि तुम नहीं पढ़ रहे हो। थैंक यू। हाँ जी जी थैंक यू। प्यारे दर्शकों टैलीफोन करने लिए टैलीविजन का जोड़ा नंबर से वो चेंज हो गया वो थोड़े सामने स्क्रीन के उत्ते थोड़ी स्क्रीन के उत्ते आ रहा 08000886404 जिन भी टैलीफोन करके हिस्सा लेना हो टैलीफोन प्यारे दर्शकों बदल गया है थोड़े स्क्रीन के उत्ते थोड़े टैलीविजन के सामने आ रहा। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी जो चलकारी बाई जी की शादी जी है पूरन कोहली जेडे कि एक लक्ष्मी बाई राणी लक्ष्मी बाई दे आर्मी दे विच आर्मी आर्मी सिपाही सिगे जी। तो उन्होंने ब्याह तो बाद फिर उन्होंने अपनी वाइफ नू मतलब चलकारी बाई नू लक्ष्मी बाई नाल इंट्रोड्यूस कराया। जो इंट्रोड्यूस कराया तो उन्हें देखा भी तुहाडी तां शक्ल ये मेरे वर्गी लगती है तो बिल्कुल जनो हाँ। काफ़ी मैचिंग सी। हाँ जी लाइव कॉल ले ली। हैलो जी जैगरदेव जय भीम कौन ते कित्थों जी। हैलो जी जैगरदेव जय भीम जय भारत जी।
प्रेम मान जी थोड़ा स्वागत है कांशी टीवी ते। थैंक यू जी। पहला पहला ते जी थोनों दोनों नु जय भीम जी, जय भारत। थैंक यू जी। जय भारत। बड़े स्मार्ट लगदे हो। ते दूजी गल ए हैगी है जी के पहले ते सवित्री बाई फूले जी नु श्रद्धांजलि भेंट करदे आ, ते क्योंकि सवित्री बाई बुआई फूले जी अगर ना होंदे तां लेडीज नु पढ़न दा अधिकार नहीं सी मिलना। बिल्कुल। ते उन्होंने जद्दोजहद कीती ते गोरिया ने उन्हां नु स्पैशल जी स्पेशल क्या कि तुसी जो भी काम करना चाहते हैं ना ये समाज ले भलाई दे करो अजी। ते उन्होंने उन्होंने इजाजत क्योंकि जेडे ब्राह्मण से ये नहीं चाहते कि लेडीज जेडियां पढ़ जान, कोई भी लेडीज ते स्पेशली ते गल है जेडी बैकवर्ड क्लासेस दी लेडीज है उन्होंने तो सिविल स्कूल जाने का लागे लंघन का भी हक नहीं सीगा। इस करके जेडी सारिया लेडिया सब तो पहली जी टीचर हुई है वह साड़ी सवित्री बाई फूले जी हुई है, उन्होंने बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आ, क्योंकि लोग उस वेले जे ब्राह्मण से लोग उन्होंने पत्थर मारते थे जिस वे स्कूले पढ़ा जाते थे। बिल्कुल हाँ जी। आ जरा उन्होंने मथे ते तिलक देखते हैं ना, तो तिलक नहीं है ना वो बिंदी है, ये पत्थर का निशान है जरा कि उन्होंने सिर ते मारे जाते थे। ये सब तो बड़ा डूंगा निशान सीगा, क्योंकि ये समाज चाहते थे कि जे थोड़िया लड़कियां पढ़ गई तो जेडे जेडे हसबेंड है थोड़े वो मर जाएंगे। ये उन्होंने शर्त लाई थी, इस करके लोगों को अंध विश्वास पाया सीगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो दूसरी गल उस वेले जेडिया लड़किया से छोटिया उम्र च शादी ता कर देंगे सी, क्योंकि जेडे साडिया लड़कियां जवान हो जांदियां सी उन्होंने यह जेडे अपने धर्म के ठेकेदार बने फिरते उठा के लै जाते और जाती करते थे। इस करके बाल विवाह उस तो चलिया कि जिस लड़की के कान से नक बिन्ने हो पता लग जाता से निशानी से कि यह ब्याह हो चुका। जी जी। तो इस करके वो बाल विवाह का जी मतलब उस वेले रस्मों रिवाज सगा। बाकी जी अज साडे लोगों जड़िया लड़कियां किनिया भी स्कूल कॉलेज चाहिए किसी ने भी पुछो सवित्री बाई फूले कौन सके, हाँ जी, तो उन्होंने किसी को कोई नहीं पता, क्योंकि यह जड़ा ये ज्ञान आ जड़ा ये लिटरेचर आ ये सारा ब्राह्मणवाद ने साडे समाज तो लुकोया गया। जी जी। इन्होंने अपने ही जड़े कितने झालाबाई हुई तो कोई अपनी देवी देवतियां इन्होंने चला लिया जड़िया कि कोई ये सिर्फ ये मनघट कहानियां इन्हों जी झल जी झांसी की राणी सी वह भी साड़ी कितने चलकारी बाई सी। जी जी। हाँ जिसने वो चलकारी बाई ने अंग्रेजा के नाल लड़ाई लड़ी और उन्होंने शहीद झांसी की राणी तो दौड़ गई सी दड़ा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इस करके जड़िया लेडीज सी उस वेली भी बहादुर सी और साडे जेडे साडे जवान से वो भी बहादुर से, लेकिन इन्हां लोगों ने साडे लोगों को पिछे करके तानू जेड़ा भारत है गुलामी वाल बढ़िया बढ़ता रहा। जी। क्योंकि जब उस वेले जात पात का सिस्टम सीगा, कोई साडा सिपाही नहीं सी, कोई मिलिट्री च बंदा नहीं सीगा, सिर्फ यही लोग लड़ते से, इन्हां नू अधिकार सीगा, इसे करके बाद दे जेड़े हमलावर से वो साडे भारत ते काबज होंदे रहे। जी। इसे करके चलकारी जेड़ी साडी सवित्री बाई फूले जी आ आर्मी च लै लिया। जी। आर्मी लेडी विंग सीगा, लेडी आर्मी सी, औरतां दी जिहड़ी आर्मी सीगी उहदे विच उह मतलब होए ते उहनां फिर तोपां वगैरा दी ट्रेनिंग भी लई सारा कुछ कीता हैगा। ते जदों लड़ाई हुई है ना, हाँ जी, जदों गदर होया जी उस वेले एक जड़ा इस इन्हां दी आर्मी लक्ष्मी बाई राणी लक्ष्मी बाई का एक जड़ा गेटमैन सीगा जी उसने एक गेट खोल दिता रिश्वत लैके। हाँ जी। रिश्वत लैके गेट खोल दिता तो अंग्रेज जड़े से अंग्रेजा की फौज जी अंदर आ गई अंदर आ गई। हाँ जी। तो फिर जड़ी लक्ष्मी बाई राणी लक्ष्मी बाई सीगा जी उन्हों बचाउन वास्ते उन्हों फिर एक गेट साड़ी बाहर कढ़ता तो दूजे गेट साड़ी भी तू जाके अपनी जान बचा ला। बिल्कुल। तो फिर जी है तू तो फिर भी मतलब राज कर सकती है। जी जी। तो ओदी जगह ते फिर जिहड़ी चलकारी बाई उहने फिर
लक्ष्मी बाई वाले वस्त्र पा के उदा पहरावा पहन के सारा दिन उत्थे लड़ाई कीती। बिल्कुल बिल्कुल। और अंग्रेज यही समझदे सके कि रानी लक्ष्मी बाई हैगी है जेडे मतलब कीती है और उत्थे उन्हें शहीद दी पाई हैगी बाद। बिल्कुल। यू नो सो मतलब उदा बहुत बड़ा रोल हैगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतिहास के पन्नों के जो मतलब ना साडे जेडे बहादुर हैगे नेता जेडे रहे साडी पर्सनैलिटीज आपां माता सुमित्री बाई फूले बारे आइए। हाँ जी। जिस तरह तुसी कहा कि उन्होंने हायर एजुकेशन भी ली उस तो बाद टीचर ट्रेनिंग भी प्यारे दर्शकों की। देखो अनपढ़ सी 9 साल की उम्र च उहदी शादी हो गई। उस तो बाद उन्होंने हसबेंड जिहड़े सीगे तुसी पिक्चर च देख रहे हैं महात्मा ज्योति राव फूले उन्होंने उन्होंने पढ़ाया और उस तो बाद टीचर ट्रेनिंग की थी। टीचर ट्रेनिंग तो बाद उन्होंने स्कूल खोलिया उन्होंने एक टीचर ट्रेनिंग च एक शंगू बाई मिल गई जड़ी कि बड़ी रेवोल्यूशनरी सी। उन्होंने रल के ज्योति राव फूले और सुमित्री बाई फूले इन्होंने एक स्कूल खोलिया। सब तो पहला स्कूल जिस तरह दविंदर जी तुम दसिया जी वो 1848 दे वेच सिर्फ औरतों लई स्कूल खोलिया और स्कूल भी यह सगा कि किसी के घर के स्कूल खोलिया कोई बिल्डिंग नहीं उन्होंने मिलती सी। और फिर यह आ कि उस तो बाद 51 जिदा दस रहे भी 3 स्कूल खोले और तकरीबन 3 मील स्कूल घर तो दूर सी और जिसले उन्होंने पढ़ाउन जाना तो उन्होंने उत्ते मिट्टी कट्टा गारा और गोहा उन्होंने उत्ते मारना उन्होंने गालां कढ़नियां भई तू ये जेड़े काम करदी आ ये चंगे नहीं हैगे और फिर आगे घर तक भी उहदे जाना। और उन्होंने एक बड़ी 2-3 गल्लां सीगियां एक तो यह सी कि जो स्कूले जाती सी और अपने एक बैग दे विच जां लिफाफे च लुको के एक साड़ी जरूर ले जांदी सी एक्सट्रा साड़ी वो इस करके ले जांदी सी कि भई जिसले राह दे विच उन्होंने उत्ते गारा मिट्टी सुटिया जाऊगा तो स्कूले जाके वह हमेशा ही रोज़ साड़ी होर बदलती सी पढ़ा के आ के करदा ही उन्होंने मगर यहोजे काम करते सी। और घर आ के भी उन्होंने उन्होंने घर चिट्टा रोड़े बट्टे मारने और दुखी हो के जेडे ज्योति राव फूले दे फादर साहब सन उन्होंने कहा भी तुसी ये काम छड्ड दिओ। अच्छा उन्होंने कहा भी नहीं अही छड़ना नहीं उन्होंने कहा भी जे तू ये काम पढ़ाई का छड़ना नहीं हैगा एजुकेशन का छड़ना नहीं हैगा तो फिर ये गल वा भी तुसी ऐस करो निकल जाओ चले जाओ है जी। और प्यारे दर्शकों उन्होंने उन्होंने फादर ने उन्होंने घरों कढ़ दिता और घरों जेले वो कढ़े आ तो फिर भी वो जाके एक उस्मान शाह मुसलमान सेगा उहदे घर दे विच रहे जी और उस्मान शाह दे घर दे विच रहे और उन्होंने जिहड़ा एजुकेशन का काम हैगा और एजुकेशन दे काम दे नाल नाल उन्होंने कई होर काम भी किए तुसी थोड़ा जिहा देखो तो जी उहदे बारे दस्यो माड़ा जिहा। इन्होंने एक सत्याशोधक हाँ जिहड़े सत्याशोधक ज समाज मतलब बनाया वा हाँ जी संस्था बनाई हाँ जी उहदे अधीन जिहड़ा उहदे नाल इन्होंने काम किए जिहड़े इक तां जिहड़े बचपन के शादियां करते थे उसका विरोध किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चों की शादियां अर्ली एज जो करते उसका विरोध किया। हाँ फिर जो विधवा सी विधवा सती कर देंगे या पिंड चो बाहर कढ़ देंगे बच्चे जेले विधवा देखो जेले सॉरी थोनू टोकदा प्यारे दर्शको जेले बच्चे की शादी बचपन च कर देनी और बच्चा जेले बालग नहीं होया उस तो पहला ही उहदी मौत जे हो जावे तो विधवा हो जाती थी। देखो बच्चे छोटे नहीं और उस टाइम तो यह सगा कि दोबारा शादी नहीं कर सकते थे और की करते थे वो जिहड़ी बच्ची छोटी विधवा हो गई आ उहनू एक देवदासी मंदरां च लै जांदे सीगे और देवदासी की प्रथा जिहड़ी बड़ी मशहूर सीगी वो जिहड़ियां देवदासियां भी सन वो इहो जिहियां बच्चियां जिहड़ियां वो विधवा होईयां उन्हां नूं देवदासी बना लैंदे सी। देखो एक पासे तां छू छात भी ये करस वा साडे उत्ते ये लानत वा जिहड़ियां इह बच्चियां तुहाडियां हैगियां ये पछड़े लोकां दियां और दूसरे पासे उन्हां नूं जेले वो विधवा हो जांदियां सीगियां जान बुझ के भी कई बार दविंदर जी इदां आउंदा कि वह जेले जंग होण लगदी उन्हां दे घर आलियां नूं मार दिंदे सी मुंडे नूं मार देना कहना जी बच्ची विधवा हो गई तो इहनूं मंदर च भेजो। देखो मंदर च लिजा के उहनूं देवदासी बना लेना और देवदासियां भी एक नहीं हुंदियां सी सैकड़ियां दी
तादाद मंदिरों के देवदासियां होंदिया सी वो इहो जिहियां बच्चियां जिहड़ियां सीगियां बिल्कुल बालग होण तो पहले उत्थे उन्हां बच्चे भी पैदा हो जांदे सी। हाँ फिर किहदे होंदे सीगे उह पता नहीं सी। हाँ मतलब उन्हां नूं हरिजन कहा जांदा सी। हाँ इतिहासिक चीजा है उन्होंने उन्होंने बच्चों भी सवित्री बाई फूले ने बच्चों जड़ा एक केयर होम खोलिया जी जी हाँ जी। हाँ बिल्कुल। फिर जड़िया इंटरकास्ट मैरिजिज शुरू कीतियां जी सत्या सोधक संस्था बना के इंटरकास्ट पहली जड़ी इंटरकास्ट मैरिज कराई है ना जी जाति तोड़ के। हाँ जी एक जाति तो दूजी जाति 1857 विच उन्होंने करवाई जी जेड़ा के एक बड़ा इतिहासिक परिवर्तन सेगा बिल्कुल जेड़ा के पहला कभी सोचा भी नहीं सी जा सकदा जानो। सो इदां दे बहुत सारे सुधार उन्होंने किए हैगे और इहदा जिहड़ा बैकग्राउंड आ जे आपां पहलां वी कीती आ जे भीमा कोरेगाड़ गांव वाली लड़ाई च पेशवा ना हरे हुंदे तां इह कदी पॉसिबल नहीं सी होणा। बिल्कुल बिल्कुल इक लड़ाई जिहड़ी बड़ा ओह मील पत्थर हैगा उत्थों शुरुआत हुंदी हैगी तब्दीली दी सारी। जिहड़ा कल दा दविंदर जी कल दा जिहड़ा ना उहनां दा महापरिनिर्वाण दिवस हैगा 10 मार्च नूं जी उहदी वी इक बड़ी दुखदाई दुख भरी कहानी आ जी। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਲੇਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਅਡੋਪਟਡ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਸਵੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਂਡਰਾਗ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਲੇਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮੀਲ ਤੱਕ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਲੇਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ ਬਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਪਲੇਗ ਦੇ ਸੋਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਔਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਲੀ ਵੂਮੈਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਕੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਐਵਰੀ 16 ਮਿੰਟ 16 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਕੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਵਰੀ 16 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਸੀਗਾ 87 ਰੇਪ ਐਵਰੀ ਡੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ
2018 के जे टोटल केस होए पूरे इंडिया के 378,236 रेप ओ गॉड पूरे इंडिया के है 2018 का और 2019 के 7.3% राइज हो गया मतलब वाधा हो गया 7.5% सगो कह लो होर वाधा हो गया और टोटल जरा 2019 के केस आ जेडे रेप केस हो या, वो 4,05,861 मतलब ये आज दे हालात है क्या यू नो सो पता के पिछे सॉरी फिर आयो मैं थोड़ा जा थानू रिमाइंड करवाना चाहना प्यारे दर्शको के यूएनओ दी जेडी ह्यूमन राइट्स ब्रांच हैगी आ उन्होंने पिछले साल रिपोर्ट एक दिती सी ओहदे विच इह कहा सीगा कि भारत जेड़ा हैगा ये औरतों लिए बहुत ही खतरनाक मुल्क हैगा इस मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वूमेन्स और जेड़ी भारत दे विच एक अमेंस्टी इंटरनेशनल सीगी जेड़ी ये देखदी आ कि ह्यूमन राइट्स जेड़े हैगे आ उन्हां दी किन्नी पैरवी की जाती है सरकार द्वारा किन्ना उहदे ते ध्यान दिता जाता उन्होंने एक दो गल्लां जिहड़ियां सीगियां उन्हां नूं क्रिटिसाइज किया और वो सीगी सच्चाई और उन्हां दा पिछले साल दफ्तर ही भारत दे विचों चुकाता है जी भाई तुसीं इत्थे दफ्तर ही नहीं बना सकते असी ये जिहड़ी हैगी है अमेंस्टी इंटरनेशनल हैगी आ इहदे नाल वी गॉट नथिंग टू डू विद इट और ये बिल्कुल उन्होंने मजबूर किया दफ्तर चुकाने लई उहदे विच तीन गल्लां उन्होंने क्रिटिसाइज कीतियां सी एक सीगी कश्मीर का मसला प्यारे दर्शको दूसरा सीगा शहरीयत का सी ए ए दा शाइन बाग जिहड़ा असीं प्रोग्राम करते रहे हैं और तीसरा सीगा अत्याचार ऑन अनटचेबल्स और खास तौर पर वूमेन से हाँ जी तुसीं यही है और जिहड़ा रेप वगैरह होंगे तशद्दुद होंगे औरतों के ये सिर्फ जिहड़ा दलित औरतों के नहीं होंगे या बैकवर्ड क्लास दियां औरतों के नहीं होंगे ये जिहड़ियां जनरल कैटागरी च भी है या सवर्ण औरतों भी है उन्होंने भी होंगे आ और जिहड़े सारा जिहड़ा हालात है जड़े ये बहुत भैड़े है हाँ। और एक हो भी याद आता करके थोड़ा जे आप पिछले हिस्ट्री च जाइए जी जी 19वीं सदी में एक टैक्स सीगा लगा जी ब्रेस्ट टैक्स उन्हों कहते केरला दा हाँ केरला दे विच सीगा ये ब्रेस्ट टैक्स ये 19वीं सदी दे विच सी अर्ली मतलब 19वीं सदी दे विच ओहदा उत्थे दी भाषा विच उन्हों मुला कर्म कहते सी जी जी और वो इदा सीगा कि कोई भी जेडे लो कास्ट है गया चाहे वह अनटचेबल आ चाहे वह बैकवर्ड क्लास अदर बैकवर्ड क्लास आ वो सारे ही जोड़े से उन्होंने जीडिया औरतं अपने जोड़े सतन सके छातियां से उन्होंने ढक नहीं सी सकती बिल्कुल बिल्कुल हाँ जे कोई ढकता से तो उन्होंने टैक्स देना पैंता से फोटो देखो तो जो उन्होंने करना पैंता टैक्स देना पैंता सीगा बिल्कुल और भी सीगा कि टैक्स भी साइज के हिसाब न देना पैंता है जी जे कि सतन बंडिया तो ज़्यादा टैक्स देना पैंता छोटे तो घट देना पैंता और योजे हालात और उस वेले पैसे तो लोगों को होंदे नहीं सीगे बिल्कुल मतलब किसी भी कोई इनकम का साधन नहीं सीगा कि जिसके नाल टैक्स पे कर सकन सो एक कंपलसरी सीगा कि उन्हें रखना ही पैंदा सी जोदा बिल्कुल इस हद तक चलदा सी उहदे पिछे गल ये सीगा कि लोगों को दबा के रखना लोगों को एहसास रवे कि तुसी नीवी जात दे आ बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जेडे इंसानियत जिहड़ी है ना इंसानियत दे हक और इंसानियत दा दर्जा जेड़ा ना वो तो गिरा देंदे गिरा देंदे और इस तरीके नाल जिस तरीके नाल पेशवा राज विच गल च कुजा बांधदे सीगे पिछे झाड़ू बांधदे सीगे कि इन्हां दी जिहड़ी मतलब मानसिकता इन्नी गिर जाए कि कदी सोचणा कि असीं तरक्की भी करनी जां असीं कोई बराबर दा हक भी लैणा हैगा पर उहदे विच फिर इक इंसीडेंट हैगा एक लेडी सी उहदा नां सी नंगली नंगली और उहदे हसबैंड दा नां सी चीरू कंदन प्यारे दर्शको तुसी ए एक सोशल मीडिया ते क्लिप देखिया होना बहुत दफा इहो सर्कुलेशन दे विच आया जिहदी ए दविंदर हुणी गल करन लगे आ वो हाँ जी हाँ जी यही सीगा कि जो टैक्स वो लैन आए जी मतलब उन्हें कहा मैं अपना जो तन है मैं ढाके रखना हाँ जी
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਢੱਕ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਹ ਦਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਚੀਰੂ ਕੰਦਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਹਿਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈਗਤ ਦੇਵ ਜੈ ਪੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਊਂਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਕਾਬਰਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਕਾਬਰਵਾਲ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਸੱਬਰਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਭੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜੀ। ਕਿਆ ਆਪ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਲਾਈਫ ਡੇਂਜਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਉੱਚ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਠੇ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਲਾਈਫ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡੇਂਜਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਆਦਮੀ ਜੀ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ? ਸੁਣਾਉਂ ਮੈਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਸੋਕ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡੇਂਜਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਣ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਲੋ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ
ਕੱਟ ਗਈ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਯੂ ਐੱਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈਗਰਦੇਵ ਹਾਂਜੀ ਜੈਪੀਮ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਂਸੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੂਦਰ ਅਰਨਾਰੀ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਤਾੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਦਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੂਆਛਾਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਫ਼ਰਤ ਉਨਾ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਛੂਆਛਾਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਊਚ ਨੀਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਂਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਇਸ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੇਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਨੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि बाबा साहब का जड़ा 51 का कोर्ट बिल पेश किया 52 च ओदी चीरपाड़ जी कर दी जी जी कि डिवोर्स ते मैरिज ये जड़ियाँ सैपरेट कर लो और नहरू हुणी इहनू मतलब कहा भी तुसी इस तरह कर लो। अच्छा वो भी ये आ कि काफ़ी उन्हू डिबेट दे विच नहीं लिया लिंगर ऑन रखिया और अखीर यह आ कि बाबा साहब ने देखा कि इन्ह की जिहड़ी मंशा है बाबा साहब के खिलाफ जुलूस जा कढ़न लग पै मुजाहरे होण लग पै कि हिंदू सोसाइटी जिहड़ी आ तुसीं इहनू चीरपाड़ करन लगे आ नुकसान पहुँचाउण लगे आ और इत्थों तक कि पार्लीमेंट दे विच प्यारे दर्शको औरतां दे हक्कां लई उह लड़दे आ पर पार्लीमेंट दे विच जिहड़ियां हिंदू औरतां सन उन्हां ने भी मुखालफत की और बाबा साहब ने उन्होंने बाद च पूछा भी तुसी क्यों इदा कर दी। उन्होंने कहा कि सानू घर वाले ने कहा भाई थानू छड़ देना जे तुसी सपोर्ट कीती तां तुहानू डिवोर्स कर देना। हेलो जी जगरदेव जय पिंग कौन ते कित्थों साहब जी। हेलो मैं ओंकार बोल रहा जी लैस्टर तों। थोड़ा स्वागत है जी ओंकार जी। प्रोग्राम देख रहे हैं और मैनूं इक जिहड़ा तुसी सब्जेक्ट ते गल कर रहे सीगे कि इक लेडीज ने मैं फोन कीता सीगा कहिंदी सी भाई लेडीज नूं थल्ले रखण वाले कौन आ जी जी ओ देखिया जाए तां असीं आप खुद मर्द आ लेकिन जिदा किसी पिछले कॉलर ने कहा है कि पुराने ग्रंथा दे विच हिंदू ग्रंथ जिहड़े आ उहदे विच मतलब कि उन्होंने लिखिया है कि लेडीज नूं थल्ले रखना दबा के रखना जी जी ठीक है गल ओ वाकई जिहड़े उन्हां दिनां दे विच जिहड़े राज करदे सी ओह पंडित करदे सी जी जी अपने फायदे लई अपने खान पीन लई मुफ्त दा इदां दे उल्टे सिद्धे चीजां लिखियां सी ग्रंथां दे विच जी जी जिहड़े कि मनुखता दे बिलकुल खिलाफ सीगे। हाँ जी हाँ जी जी है ना गुरु नानक देव ने हो जिन्या भी होर गुरु पातशाही हैं जब सोके मंदा की है उन्होंने सारे ने कहा कि नहीं ये तो लेडी ता मर्द से कोई फर्क नहीं है ये दोनों एक कोई लेवल दे बिल्कुल इन्हीं का लेना एक कोई राइट देना चाहिए था जी जी है ना पर मैनू अजकल ये नहीं समझ आती कि अजय भी ये इंसान हूं अपने आप कहता कि मैं बहुत पढ़ गया मेरा दिमाग बहुत ज्यादा है राइट वो फिर भी इतनी गलतियां कर रहे हैं वो कादे करता है कि उसे लैक ऑफ एजुकेशन है। ताकत सियासी ताकत उन्होंने हाथ च है बिल्कुल सही गल है जी। और एक मैं थानू गल होर अपने वालों कहना चाहना कि सानू कदे भी अपने आप नू शूद्र नहीं करना चाहिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि असी उ इंसान के पुत्र हैं जिदे वो ब्राह्मण है बिल्कुल बिल्कुल है ना महाराज के पुत्र है एक कोई साडा ब्लड है कोई डिफरेंस नथिंग एट ऑल। रवि मैं एक दसा जी गुरु साहब का एक श्लोक हैगा एक मिनट रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच हाँ जी नरक को नीच कह डराइए होए कर्म की कीच। हाँ जी बिल्कुल सही ये गुरु रविदास जी का श्लोक हैगा गुरु नानक देव भी कहंदे आ अब्बल अल्लाह नूर पाए कुदरत सब बंदे एक नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे थोड़ी गल बिल्कुल सही है जी। असी ना इस चीज नु मतलब कि दोहराइए और इंसान जेडे बच्चे आ उन्हां नु समझाइए कि असी कोई शूद्र वगैरह कोई शेड्यूल खास नहीं है असीं सारे इक्को जिहे ही आ बिल्कुल ये हिंदू धर्म का जोर लगा हैगा कि जिहड़े नीवे क्लास जिहड़े अपने आप नूं कहण लग पए असीं नीवे आ उन्हां नूं नीवे नहीं कहणा जोर लगा कि इन्हां नूं दबा के इदां ही रख्या जा सकदा बिल्कुल बिल्कुल हां जी ठीक है। हुण तुसीं सारे पढ़े लिखे सुलझे इंसान आ तुसीं इन्हां चीज़ां दे उत्ते स्ट्रेस करो प्लीज लोकां नूं समझाओ कि असीं नीवे नहीं हैगे। मतलब जो सम्राट अशोक का राज सेगा अफगानिस्तान तक राज सेगा 18-19 यूनिवर्सिटियां वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां सीगियां बिल्कुल भारत दे विच सी मतलब सम्राट अशोक दे राज विच सीगियां और सब तो पहला जी क्रांति लिया हैगी मॉडर्न हिस्टरी कह लो जी जी वह
ਤੜਕਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਆ, ਇਸ ਨਾਟ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਜਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਵਰਣ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ਣੀ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਰੀਅਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਹੋਣੀ, ਪਰਿਆਰ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਮੰਦ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਆ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਫੋਰ ਵਿਡੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਜੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਲਕਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੋ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਜੋਤੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।